तो हमने कल क्या पढ़ा एक नया चैप्टर पढ़ा जिसका नाम क्या है फन एट स्कूल फन एट स्कूल तो बच्चों हमने कल इसका आधा पार्ट पढ़ा आज हम क्या करेंगे आज हम इसका बाकी का हिस्सा पढ़ते हैं चले बच्चों लेट्स रीड द फर्दर पार्ट चले स्टार्ट करें आप सब उंगली साथ साथ रखिए। सबसे पहले हम रीडिंग करते हैं उसके बाद आप भी मेरे साथ रीडिंग करेंगे शाबाश आप पहले गौर से सुनेंगे लेट स्टार्ट सुसैन प्लेज विद प्लेटा शी मेक्स फनी शेप्स रिव्यूज इज क्रेयॉन्स ही कलर्स ए काउ बिग काउ ब्लू गुरमीत स्टिक्स पिक्चर्स इन ए बुक ही स्टिक सिक्स एप्लस ऑन ए ट्री आई शड हाउस इट हैज़ फोर विंडोज शी कलर्स हर हाउस ग्रीन

स्कूल में कौन सा दिन मनाया जा रहा था फंडे कौन सा फंडे मस्ती का दिन था खेलने कूदने का दिन था और सब चिल्ड्रन कहाँ पे थे सब बच्चे कहाँ पे थे देवर इन द एक्टिविटी रूम वो एक्टिविटी रूम में थे वो क्लास रूम में क्यों नहीं थे क्योंकि उनको कल पढ़ा उनको पढ़ाई नहीं करनी थी उनको खेलना था क्योंकि फंड था ना खेलने कूदने का दिन था ना मस्ती करने का दिन था ना मजाया दिन था तो इसी वजह से सब बच्चे खुशी से किस रूम में थे एक्टिविटी रूम में वहां पे उनको बहुत सारे टास्क दिए गए उनकी टीचर ने उनकी हेल्प की तो सब बच्चे अपना अपना काम कर रहे थे तो चले बच्चों अब जो हमने आज पढ़ा जिसकी हमने रीडिंग की अब इसकी मीनिंग जानते सुसैन प्लेज विथ ए प्लेडा सुसैन खेल रही थी किसें विथ प्लेडॉ प्लेडा किस को कहते हैं वो सॉफ्ट शक्ल का जो आप क्ले यूज करते हो ना क्ले के साथ आप खेलते हैं ना तो उसको हम प्लेडा कहते हैं इसको हम प्लेडॉक कहते हैं तो बच्चों अब आपके समझने के लिए मैं दिखाती हूँ कुछ चीजें आप प्लेडॉक के साथ क्या क्या बना सकते हैं पिलेडॉक के साथ हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या हम बना सकते हैं बहुत सारी चीजें हम बहुत सारी शक्लें हम बना सकते हैं देखे बच्चे ये यहाँ पे क्या बना रहे हैं सर्कल सी आई आर सी एल ई एंड द कलर ऑफ द सर्कल इज ब्लू ब्लू कलर का सर्कल अब नेक्स्ट देखते हैं शाबाश तो ये बना रहे हैं क्या बना रहे हैं किससे बना रहे प्लेट डॉल से तो ये क्या है स्क्वायर एस के यू एस क्यू ग्रीन कलर का देखे बच्चों ये क्या है रेक्टेंगल कलर कौन सा है इसका पर्पल आर सी टी एन जी एल ई रेक्टेंगल आई होप आपने समझा होगा प्लेटॉफ हम किसको कहते हैं उससे हम कौन कौन सी शक्लें बना सकते हैं तो आप भी अपने घर में ट्राई कीजिएगा आटे से भी आप बना सकते हैं आपकी मम्मा आटा गूंथती है ना तो थोड़ा सा मांग लीजिएगा तो उससे आप डिफरेंट शक्लें बना सकते हैं डिफरेंट टाइप से आप शेप्स बना सकते हैं कौन खेल रही थी डाव के साथ प्ले डाव के साथ सुसैन सुसैन कौन थी तानिया की सिस्टर शी मेक्स फनी शेप्स उसने बनाई बहुत ही मजा मजाया शक्लें फनी फनी किसको कहते हैं फनी Funny Funny, हमने कल भी पढ़ा मजा मजाती थी थी मजाया शक्ल कौन बना रही थी कॉमिक पिक्चर्स कौन बना रही थी कॉमिक शेपैन so किस से प्लेड से रवि यूज इस बिक्लू रवि यूज इस इनका जो भाई था कजन था रवि तो उसने क्या इस्तेमाल किए क्रेयान क्रेन किसको बोलते हैं? आप सब बच्चों के पास होंगे शाबाश कलरिंग पेंसिल जिससे आप कलर करते हैं जब कुछ ड्रा करते हैं, ना उसके बाद हम कलर किससे करते हैं कलरिंग पेंसिल से तो यहाँ पे मैंने पेंसिल नहीं लिखा मैंने पेंसिल लिखा तो ये किसका प्लूरल है किसका प्लूरल है शाबाश ये मोर देन वन है ये किसका प्लूरल है इसका सिंगुलर क्या है पेंसिल क्या है एक पेंसिल को हम पेंसिल कहते हैं और बहुत सारे मोर देन वन पेंसिल को पेंसल कहते हैं ही कलर्स ए बिग का ब्लू उसने कौन सा कलर किया गाय का उसने गाय बड़ी सी गाय बनी हुई थी तो उसने उसका कलर कैसा किया ब्लू गुरमीत स्टिकस पिक्चर्स इन ए बुक सिटी का हम बोलते चिपकाने को उसने कहाँ पे पिक्चर्स चिपकाई अपनी बुक में इन ए बुक बुक में चिपकाई किसने गुरमीत ने हिस्ट्री का सिक्स एप्लस ऑन ए ट्री उसने एक ट्री बनाई थी एक दरख्त बनाया था जिसपे कितने एप्लस थे कितने सेब थे छः और उसने उन चि... उस पिक्चर को चिपकाया अपनी बुक में किसने गुरमीत ने आयशा ड्राज ए हाउस आयशा ने ड्रा किया आयशा आयशा ने एक स्केच बनाया क्या किसका घर का हाउस किसको कहते हैं मकान को घर को तो किसने ड्रा किया हाउस आयशा ने इट विंडोज उसकी कितनी खिड़कियां थी चार हाँ, तो हम सब घरों में रहते हैं ना हाउस आए यहाँ पे हाउस है सिंगुलर तो हाउस का प्लूरल क्या है आपने पढ़ा है क्या है इसका प्लूरल हम हाँ, बहुत सारे मकानों को बहुत सारे घरों को क्या कहेंगे हाउस इज तो हमने यहाँ पे एस एड किया और यहां पे आया एक और वर्ड विंडो विंडो हम कहते हैं खिड़की को तो इसका प्लूरल क्या है विंडोज यहां पे कौन सा वर्ड आया प्लूरल विंडोज तो एक घर आयशा ने और उसकी चार खिड़कियां वन हाउस वन हाउस एंड हैविंग फोर विंडोज आयशा ने बनाया एक घर जैसे हम घरों में रहते हैं वो एक ही घर में रहते हैं ना एक ही मकान होता है ना वो लेकिन उसमें बहुत सारी खिड़कियां होती है वैसे आयशा ने भी ड्रॉ किया है उसने स्केच बनाया उसने एक घर की शक्ल बनाई किसने आयशा ने और उसमें उसने चार खिड़कियां बनाई शी कलर्स हर हाउस ग्रीन शी यहां पे किस किसकी तरफ इशारा करे आयशा की है शी क्या है प्रोनाउन क्योंकि ये इसने नावन की जगह पे इस्तेमाल किया नावन की जगह पे इस्तेमाल हुआ है शी इट यहाँ पे हाउस की हाउस के बदले इस्तेमाल किया इट भी प्रोनावन है शी कलर्स हर हाउस ग्रीन उसने अपने घर का कलर कौन सा किया ग्रीन लीमा ड्रॉज ए फिश लीमा ने ड्रॉ की एक फिश एक मछली बनाई किसने लीमा ने इट इज बिग वो बड़ी पिक्चर थी बड़ी सी मछली इसने बनाई किसने लीमा ने विद्वान ब्लैक आई एक ब्लैक कलर की आई बनाई उसकी आंख बनाई कलर कौन सा था उसका ब्लैक एंड सिल्वर स्किन और सिल्वर कलर की स्किन बनाई किसकी मछली की क्योंकि मछली का कलर कैसा होता है सिल्वर ना ग्रे ना तो इसी वजह से लीमा ने उसका कलर कैसा किया सिल्वर तो बच्चों आज हमने पढ़ा इन बच्चों ने मुख्तलिफ शक्लें बनाई डिफरेंट शेप्स बनाई तो सुजैन खेल रही थी प्लेट डाउ के साथ तो उसने उस पर फनी शक्लें बनाई तो रवि ने बनाया था रवि ने कलर किया किसका गाय का गाय को कलर किया ब्लू और गुरमीत ने एप्पल ट्री स्टिक की थी किस पे उसकी पिक्चर स्टिक की थी किस पे अपनी बुक में और आयशा ने एक हाउस ड्रा किया था उसमें उसने चार विंडोज बनाए थे वो लीमा ने एक बड़ी सी एक मछली बनाई उस मछली का कलर सिल्वर रखा और उसकी जो आँख थी उसका कलर कैसा दिया ब्लैक कलर तो बच्चों आई आप होप आपके समझ में आ गया होगा आपने समझी हो समझा होगा जितना हमने पढ़ा तो बच्चों आज के लिए इतना ही तो मिलते अपने नए क्लास में तब तक अपना ख्याल रखेगा अल्लाह हाफिज